माता गौरी का कुंड है, जय माता दी। यहाँ भी हिमालय है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं भाई लोग, सब बढ़िया होंगे? तो कल यहीं रुक गए थे, नीचे रोड में ब्लास्टिंग हो गई थी, दो चार दिन रुकने को यहीं कहा है। तो आज यहीं से भरेंगे माल ऊपर जोंगकोंग का। अभी मैं हूँ यहाँ गुंजी में, बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडे से चेहरा भी फट गया है। तो दोस्तों आज कराएंगे आपको आदि कैलाश के दर्शन, तो मैंने भी नहीं किए हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, भोलेनाथ के दरबार में जाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं ऊपर को, तब तक आप देखिए गुंजी का थोड़ा बहुत नज़ारा सुबह का। मिलते हैं आगे वीडियो में फिर। दोस्तों निकल चुके हैं कुंजी से आगे को, ज्यादा हाइट में जा रहे हैं आज ऊपर को। तो आपको यहाँ का गांव दिखाता हूँ मैं। ये पहाड़ खाले हो चुके हैं बर्फ से। ये बर्फ यहाँ आगे गांव, ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। रोड बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे चट्टाने तोड़ के बनाई हुई है रोड। ग्लेशियर पिघल के आ रहा है ऊपर से, नदी का पानी पूरा ग्लेशियर से आ रहा है। ये आगे जाके दिखाते हैं और क्या है। तो रोड इतनी ज्यादा खराब है, गाड़ियां चढ़ नहीं रही है, तो पानी आनी डाल के देखते हैं गाड़ी में। ये देखिए बहुत ज्यादा खराब है रोड, इतने गड्ढे हो रहे हैं। खाली नहीं है भाई हिमालय की यात्रा करना, पहले आदमी पैदल जाते थे, अभी ट्रक जा रहे हैं, कैसे जा रहे होंगे। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, गाड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। यहाँ पानी भी है ही गाड़ी में, आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो गाड़ी को कहां से मिलेगी। वो देखिए हिमालय बीच में नई नई रोड कटी है इधर। ये जतिन भैया पानी डाल रहे हैं गाड़ी में, देखते हैं फिर चढ़ती है तो। अभी गाड़ी में पानी वानी डाल दिया है, अभी मैं जतिन भैया के साथ जा रहा हूँ। आदमी के लिए ऑक्सीजन नहीं है इधर तो गाड़ियों के लिए कहाँ से मिलेगी। गाड़ी को चढ़ने में भी बहुत दिक्कत है इधर, अभी तो और हाइट में जाना है। सर भी पकड़ रही है यहाँ की हवा, सर में दर्द हो रही है। बाकी अभी आगे जाके देखते हैं क्या होता है। रोड तो बहुत खराब है दोस्तों, लेकिन क्या करें, नज़ारा भी बहुत तगड़ा है यहाँ का। फिर से देखिए एक हिमालय और बर्फ से ढका हुआ। पूरे
अपने हिमालय की गोद में चल रहे हैं, भोरेनाथ की शरण में। अभी और आगे जाने हैं और ऊपर, तो और आगे मिलते हैं। ये दोस्तों रोड वालों का काम बराबर चालू है। इधर तो मशीन लगी हुई है आगे, बहुत ही बढ़िया नजारा यहाँ का। यार ये हमारी गाड़ियां पीछे, ये देखिए यहाँ का नजारा। तो यहाँ पे मंदिर है भोलेनाथ का। बढ़िया पानी पिघल के आ रहा है नदी का। ये गाड़ी में पानी डाल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ज्यादा हो रही है, गाड़ी गर्म हो रही है। ये देखिए आप मेरे पीछे का व्यू, बढ़िया हिमालय एकदम मस्त। ये देखिए दोस्तों मस्त नजारा है यहाँ का। हिमालय से पानी आ रहा है बह के, बहुत ज्यादा ठंडा है। ये पहुंच गए दोस्तों हम कुट्टी गांव। इतनी हाइट में, इतने पहाड़ों के बीच में भी ये गांव ऐसे बसा हुआ है। देखिए आप, जब बर्फ पड़ती होगी तो तब ये यहाँ नहीं रहते होंगे, तब सब नीचे चले जाते हैं। अभी यहाँ पे आए हुए हैं लोग, यात्रा चली है अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। ये इन्होंने अभी अभी के सीजन में खेती भी की है इधर, बढ़िया खेती हुई है। अभी सारे आए हुए हैं इधर ये लोग जो यहाँ के हैं। उसके बाद ये भी चले जाएंगे नीचे। ये देखो अब तो सही हो गया, इनका रोड आ गई है इधर, आने जाने का बढ़िया हो गया साधन। आगे चल के देखते हैं। देखिए दोस्तों कुट्टी गांव का सीन, अभी कुट्टी गांव से आए को निकल रहे हैं। हिमालय के बहुत नजदीक आ चुके हैं अभी हम। ये इधर भी हिमालय है, यहाँ भी हिमालय है, पूरा चारों तरफ हिमालय हिमालय है। हिमालय के बीचों बीच चल रहे हैं अभी हम। ही आगे मतलब आज तो दे देखे। दोस्तों ये देखिए यहाँ का नजारा क्या मजेदार है। हवा तो चल रही है बट ऑक्सीजन की फिर भी कमी है। एक पेड़ में इधर आप देख सकते हैं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं। ये देखिए यहाँ का नजारा,
देखिए दोस्तों, कई तगड़ा सीन। मजा आ गया। ये सब पिघल के आ रहा है ऊपर से, यहाँ हिमालय से कितने स्पीड में आ रहा है पानी, देखिए आप। दोस्तों पहुंच चुके हैं जोंगकोंग। अब हमारी गाड़ी इससे ऊपर नहीं जाएगी, रोड भी यहीं तक है अभी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो पीछे हिमालय है, ये है आदि कैलाश, जय भोलेनाथ। अब इससे ज़्यादा क्या दिखाऊं दोस्तों, यहाँ आ गया हूँ। अरे गाड़ी मत लगाना सामने, तो आपको दिखाता हूँ मैं आगे से, फ्रंट बैक कैमरे से। ये देखिए दोस्तों आदि कैलाश, भोलेनाथ की नगरी, जहाँ से भोलेनाथ पूरी दुनिया चलाते हैं। यहाँ से गंगा नदी निकल रही है। अरे दिखाने दो ना भाइयों को। ये देखिए दोस्तों यहाँ का सीन, कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, ऑक्सीजन की बहुत कमी। ये सूखे पहाड़ यहाँ के। जितिन भैया भी आए हैं हमारे साथ इधर, नसीब हमारा बहुत बढ़िया है, नहीं तो पूरा कोहरा बादल से बंद हो जाता है हिमालय। आज आते ही साक्षात दर्शन हुए हैं, जय भोलेनाथ। ये भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ से आगे को है यार रास्ता, और यहाँ से रास्ता है बता रहे हैं 7 किलोमीटर है बस चाइना बॉर्डर यहाँ से, तो हम सरहद पे ही खड़े हैं। 7 किलोमीटर क्या होता है दोस्तों। तो अभी निकलेंगे यहाँ से अब वापस, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों थोड़ा आगे और जाना है गाड़ी उतारने के लिए, तो आगे जाके मिलते हैं आपसे। दोस्तों ये भोलेनाथ का त्रिशूल, हर हर महादेव, जय हो जय महादेव, बम लहरी हर हर महादेव। ये हमारे जगदा भोलेनाथ का पूरे भक्त हैं बहुत बड़े। हर हर महादेव। दोस्तों पहुंच गए हैं जहां गाड़ी खाली होगी हमारी। ये देखिए यहां की सीनरी, ये माता गौरी का कुंड है, जय माता दी। यहां भी हिमालय हैं। ये है गौरी माता का कुंड, जय माता दी। लोगों की तो दोस्तों अब यहाँ से निकलेंगे, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों गाड़ी खाली करके आ चुके हैं, शाम भी हो चुकी है अब, तो आज का ब्लॉग यहीं करेंगे एंड। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, भोलेनाथ के दर्शन करके, आदि कैलाश के दर्शन करके? तो भाई लोग अब इतना दिखा दिया है आपको उत्तराखंड की सुंदरता, देवभूमि उत्तराखंड की, भोलेनाथ का दिखा दिया है आपको नगरी। तो दोस्तों अब तो कर दो सब्सक्राइब, लाइक, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए गुड बाय।